मैं परदेशियों की बेगमों के ना कुछ मसले मसाइल बता रही थी आपको। हमारे लिए ना सिचुएशन ऐसी होती है जिसको कहते हैं ना आगे कुआं और पीछे खाई। अब देखो ना यार, पाकिस्तान रहो तो हस्बैंड से दूर, और अगर उनके साथ बाहर चले जाओ तो आप अपने पूरे घर वालों से, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से सबसे दूर। तो इन बोथ सिनेरियोज यू आर मिसिंग समवन। अब इन बातों की वजह से ना हमारी बहुत सारी लड़कियां डिप्रेशन में जा रही हैं। पाकिस्तान में उनको ससुराल वाले नहीं जीने देते, पता नहीं हमें क्या मिलता है एक दूसरे की जिंदगी मुश्किल बनाकर। अभी मुझे सीरियसली आज एक बंदी का मैसेज आया, मैंने पढ़ा ना, मुझे इतना दुख हुआ बाद में। शी सेड मेरे हस्बैंड बाहर होते और मैं अपने इन-लॉज के साथ रहती हूँ, जिठानी मेरी जो है ना वो अपने मूड पे बोलती है, उसके साथ पूरा पूरा दिन काम करवाती हूँ, उसके हिस्से के भी काम कर देती हूँ, उसके बच्चे संभालती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे साथ इतना बुरा रवैया रखती है। उस टाइम मैंने उसको बड़ी जेंटल सी एडवाइस दी, शी सेड कि मेरा मियां भी मुझे कहते हैं इग्नोर करो ना, लेकिन मैं कैसे करूँ। शी सेड मैं उसके रवैये की वजह से इतनी परेशान हूँ कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ कि मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं। उस टाइम मैंने उसको यही एडवाइस दी, मैंने कहा यार एक बंदी आपके लिए इतनी अहम नहीं होनी चाहिए कि आप अपना सुकून ही बर्बाद कर लो उसके पीछे। वो करती है बात तो मुझे बिस्मिल्लाह, नहीं करती है तो बस ठीक है, अपना काम करो, अपनी किताबें पढ़ो, अपने ड्रामे देखो, दफा करो उसको।